हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल इन विलिंग लर्नर आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन एंड एक्सरसाइज टू पॉइंट वन बहुत ही बेसिक से हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे गाइस इस क्लास के बाद आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आ जाएगा और फ्रैक्शंस के जो टाइप्स हैं लाइक अनलाइक फ्रैक्शन मिक्सड फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन इम प्रॉपर फ्रैक्शन ये सभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा दिया था तो आपको वो वीडियो आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा एज वेल एज आप जब प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो वहां भी वह आपकी वीडियो मिल जाएगी तो आप वहां से उस डाउट को क्लियर कर लेंगे बिकॉज आपको डाउट नहीं रहना चाहिए मैथ्स में प्रॉपर फ्रैक्शन इम प्रॉपर मिक्सड फ्रैक्शन में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना यदि मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज टू पॉइंट वन का सॉल्व ये क्या सॉल्व करना है फ्रैक्शन आपको सॉल्व करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन है टू माइनस थ्री बाई फाइव ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा देखिए ये जो ऊपर की वैल्यू होती है ये कहलाती है आपकी न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू कहलाती है न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू कहलाती है डिनोमिनेटर। ऊपर वाली न्यूमरेटर नीचे वाली डिनोमिनेटर अब यहां पर थ्री न्यूमरेटर है फाइव डिनोमिनेटर है बट यहां पर क्या है सिर्फ टू है तो टू क्या ये? Numerator है ये न्यूमरेटर की वैल्यू है यहां पर बट यहां डिनोमिनेटर क्या है तो जहां भी आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो उसके नीचे आप हमेशा वन लेट करके चलेंगे हमेशा वन लेट करके चलना है आपको तो ये वैल्यू क्या हो गई टू अपॉन वन माइनस थ्री बाय फाइव ये आपके पास वैल्यू हो गई अब अब यहां आप क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर होते हैं इस डिनोमिनेटर का अब आप एलसीएम करेंगे तो वन और फाइव का जब हम एलसीएम करेंगे वन से तो एलसीएम होना ही नहीं है तो फाइव से डायरेक्टली होगा वन का तो वन ही रहेगा फाइव जा फाइव मीन्स एलसीएम क्या हुआ वन एंड फाइव का एलसीएम हुआ भाई फाइव एलसीएम क्या हो गया फाइव एलसीएम हुआ तो वन के टेबल में फाइव कितने टाइम्स में आता है one के टेबल में फाइव टाइम में आएगा फाइव आता है वन के टेबल में तो फाइव ऊपर लिखेंगे फिर टू से मल्टीप्लाई करना है आपको टू से हमने मल्टीप्लाई किया देन उसके बाद अब आप क्या करेंगे सिमिलरली सेम प्रोसेस यहां फॉलो करना है आपने फाइव के टेबल में फाइव कितने टाइम्स में आएगा तो वन टाइम्स में फाइव आता है तो वन मल्टीप्लाई थ्री क्लियर हो गया अब इनको सॉल्व कर लीजिए फाइव टू जेन माइनस थ्री वन ज थ्री अपॉन फाइव इक्वल टू क्या हो गया इक्वल टू टेन माइनस थ्री सेवन अपॉन में वैल्यू आ गई फाइव ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का क्लियर है क्वेश्चंस सेकंड क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन है फोर प्लस सेवन बाई एट यह आपका सेकंड क्वेश्चन है फोर प्लस सेवन बाई एट अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा अब इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यहां भी आपको डिनोमिनेटर गिवन नहीं है तो क्या लेट करेंगे आप वन फोर बाई वन हो जाएगा प्लस प्लस और 1 का एल्शियम क्या होगा एट वन और कोई भी अदर नंबर हो तो एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो वही नंबर होगा जो ग्रेटर नंबर आएगा वही एल्सियम होगा तो एट अब वन के टेबल में एट कितने टाइम्स में आता है तो एट टाइम्स में आता है तो एट मल्टीप्लाई फोर प्लस एट वन सल्टीप्लाय सेवन क्लियर है एट फोर सा थर्टी टू प्लस ये वैल्यू हो गई सेवन अपॉन एट इक्वल टू क्या हुआ थर्टी टू प्लस सेवन थर्टी नाइन अपॉन में एट ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया क्लियर है थर्ड क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन है थ्री प्लस थ्री अपॉन फाइव प्लस टू बाई सेवन ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा देखो डिनोमिनेटर यहां अलग अलग है अब डिनोमिनेटर अलग अलग डिनोमिनेटर वन तो नहीं है अब तो अब हम फाइव एंड सेवन का एलसीएम लेंगे फाइव एंड सेवन का जब हम एलसीएम करके देखते हैं ये है फाइव देन सेवन फाइव किसी टेबल में फाइव वन ज फाइव सेवन एज इट इज देन सेवन वन वन क्लियर है तो सेवन फाइव थर्टी फाइव और ऐसे भी समझ लेना है कि जब दो अलग अलग टेबल होंगे एक दूसरे के टेबल्स में नहीं आते हैं तो दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे वही एलसीएम की वैल्यू होगी क्लियर है तो यहां पर एलसीएम क्या होगा थर्टी फाइव इक्वल टू एलसीएम लिया एलसीएम की वैल्यू कितनी है थर्टी फाइव फाइव सेवन 5 फाइव फाइव सेवन फाइव फाइव की टेबल में थर्टी फाइव कितने टाइम्स में आएगा सेवन टाइम में फाइव सेवन से थर्टी फाइव मल्टीप्लाई थ्री प्लस सेवन फाइव थर्टी फाइव फाइव टाइम्स में सेवन के टेबल में आता है थर्टी फाइव तो फाइव मल्टीप्लाई टू सेवन थ्री से ट्वेंटी वन और फाइव टू से टेन अपन में हो गया थर्टी फाइव ये वैल्यू कितनी हो गई थर्टी वन बाय थर्टी फाइव ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया अगर इस तरीके से भी आपको पता नहीं चलता है कि कितने टाइम्स में आता है सेवन के टेबल में थर्टी फाइव कितने नहीं समझ में आता कोई बात नहीं तो आप क्या करेंगे फाइव को से डिवाइड कर दो जो क्वेश्चन आएगा सेवन फाइव थर्टी फाइव जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा तो वही आप यहां लिख देंगे जो भी क्वेश्चन आया डिवाइड करने के बाद मीनस भागफल आता है वो आप लिख देंगे और फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आंसर आपका आ जाएगा क्लियर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास नाइन बाय इलेवन नाइन बाय इलेवन माइनस क्वेश्चन नंबर फोर्थ है नाइन नाइन बाई इलेवन माइनस फोर बाय फिफ्टीन ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अब यहां इलेवन एंड फिफ्टीन का एल्शियम जब आप करेंगे तो इलेवन और ये हो गया फिफ्टीन अब हमेशा जो एल्शियम होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है टू फिर थ्री मीनस आप जब एलसीएम करेंगे तो आप प्राइम नंबर से करेंगे और स्टार्ट टू से करेंगे टू अगर इवन नंबर नहीं है फिर थ्री से देन फाइव से इस तरीके से आपको एलसीएम करना होता है तो अब थ्री से होगा बिकॉज इवन नंबर तो है ही नहीं पे तो इलेवन एज इट इज देन थ्री फाइव फिफ्टीन फिर फाइव से इलेवन फाइव वन सा फाइव देन इलेवन से इलेवन वन सा इलेवन और ये वन तो वन हो गया अब इनको मल्टीप्लाई कर लो इनको मल्टीप्लाई कर लो इलेवन फाइव स फिफ्टी फाइव और फिफ्टी फाइव थ्री सन सिक्सटी फाइव हो गया एलसीएम क्या हुआ भाई वन सिक्सटी फाइव एल्सियम आया 165 एलसीएम अब 165 11 के टेबल में कितनी बार में आता है तो 165 को 11 से डिवाइड कर लो 11 वन सा 11 5 अगेन 5 मेंस 55 ये कैंसिल हो गया और जब भी ऐसे दो अलग-अलग टेबल के नंबर्स लिखे हुए हो तो यहां पर आप डिवाइड करोगे तो देखोगे दूसरा नंबर आ रहा है तो आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हमने 11 से डिवाइड जब किया 165 को तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास क्वेश्चन जो आया 15 आया डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं जब अलग अलग टेबल के नंबर होंगे तो क्लियर है तो यहां आप मल्टीप्लाई कर लो 15 मल्टीप्लाई माइनस इलेवन मल्टीप्लाय फोर क्लियर है फिफ्टीन नाइन जन हंड्रेड थर्टी फाइव फिफ्टीन नाइन हंड्रेड थर्टी फाइव माइनस इलेवन फोर ज फोर्टी फोर अपॉन वन सिक्सटी फाइव अपॉन में वैल्यू कितनी आ गई वन सिक्सटी फाइव वैल्यू हो गई माइनस कर लो अब यहां पे फाइव माइनस फोर इक्वल टू वन देन थर्टीन माइनस फोर कितनी वैल्यू हो गई नाइन नाइन अपॉन में वन सिक्सटी फाइव आपके पास वैल्यू आ गई क्लियर है तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और ये आपका आंसर हो गया क्लियर है इसी तरीके से देखो जब कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट करना है नहीं होता तो कैंसिल आउट नहीं करना है क्लियर है कैंसिल होगा तो कैंसिल भी हमें करना होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है फ्रैक्शंस के बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए स्टूडेंट्स को मेनली जो डाउट होता है वो इस पोर्शन में डाउट होता है कि एलसीएम लेने के बाद कैसे मल्टीप्लाई करना होता है तो क्वेश्चन जो आ रहा है जो आपका भागफल आ रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिरेटर को क्लियर है स्टूडेंट्स को सिर्फ यही डाउट आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है क्वेश्चन फिफ्थ है भाई सेवन बाय टेन प्लस टू बाय फाइव प्लस थ्री बाई टू अब यहां पर देखो तीन टर्म है एक दो तीन अब इन तीनों नंबर्स में डिनोमिनेटर भी अलग अलग है तो अब डिनोमिनेटर तीन तो अब तीनों नंबर्स का एक साथ एलसीएम लेना होगा एलसीएम कर लो भाई दस पांच और दो का एलसीएम कर लो टू से टू फाइव जेन फाइव फाइव एजीज टू वन ज टू देन से वन 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 एलसीएम कितना हो गया एल्सियम इक्वल टू टू मल्टीप्लाई फाइव अगर ये किसी के माइंड में डाउट आता है कि जो यहां वन बचता है तो वन से ही मल्टीप्लाई कर दे वन से ही मल्टीप्लाई कर लो क्या फर्क पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी वैल्यू रहेगी दस ही तो आएगी क्लियर है तो एल्शियम हो गया दस एल्शियम दस लिखा टेन वन सा टेन दस के पहाड़े में दस कितनी बार में एक बार में आया मल्टीप्लाई सेवन प्लस फाइव टू जन फाइव टू जन ये टू मल्टीप्लाई टू टाइम्स में हुआ फिर टू से ऊपर न्यूमरेटर देन ये है यहू तो टू के टेबल में टेन कितने टाइम्स में आता है फाइव टाइम्स में आता है फाइव मल्टीप्लाई थ्री जैसे टेन को आप टू से डिवाइड कर लो तो टू फाइव टेन क्लियर है फाइव टाइम्स में ये वैल्यू आती है तो ये हो गया सेवन प्लस फोर प्लस फिफ्टीन अपॉन में टेन एड कर लो इनको फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन और नाइनटीन प्लस सेवन क्या हो गया ट्वेंटी सिक्स अपॉन में टेन ये कैंसिल आउट हो रहे हैं बिकॉज बोथ नंबर्स आर इवन दोनों नंबर क्या है इवन है तो टू फाइव टेन टू थर्टीन से ट्वेंटी सिक्स तो थर्टीन बाय वैल्यू क्या हो गई फाइव ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन फिफ्थ समझ में आया क्वेश्चन सिक्स तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं फ्रैक्शंस के बट फ्रैक्शंस में डाउट भी उतने ही होते हैं स्टूडेंट्स को क्लियर है क्वेश्चन नंबर सिक्स तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है टू टू बाय थ्री प्लस थ्री वन बाय टू ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है अब स्टूडेंट को यहां भी डाउट ये जबकि मैंने आपको सिखाया हुआ है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट होता है इम फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शंस कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर से कन्वर्ट किस में होता है मिक्स्ड में होता है तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे इम्प्रॉपर में इस डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो फिर न्यूमरेटर में ऐड कर दो 3 2 6 2 कितना हो गया 8 नीचे वाली वैल्यू को 7 वाली से मल्टीप्लाई फिर ऊपर ऐड करना यहां ऐड करना और यहां मल्टीप्लाई करना है क्लियर है 3 2 6 2 8 अपोन में थ्री प्लस थ्री टू जो सिक्स यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ प्लस तो थ्री टू जिक्स प्लस वन कितना हो गया सेवन बाय टू अब वही काम जो हम पहले करते आए हैं एलसीएम तो थ्री और टू का जो एलसीएम होगा ये कितना होगा सिक्स होगा थ्री टू जिक्स तो टू मल्टीप्लाई एट प्लस टू थ्री जिक्स मल्टीप्लाई सेवन क्लियर है एट टू 16 प्लस ट्वेंटी वन अपॉन में सिक्स अब इन दोनों को ऐड कर लो सिक्स वन सेवन और टू वन थ्री हुआ अपॉन में सिक्स हो गया तो ये आपका आंसर हो गया ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया वही लास्ट क्वेश्चन बचती है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तो लास्ट क्वेश्चन को भी हम एक बार देख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाएंगे लास्ट क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन क्या है कि एट वन बाई टू एट वन बाई टू माइनस थ्री फाइव बाई एट ये क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है और ये लास्ट क्वेश्चन है अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एट टू 16 पहले मल्टीप्लाई फिर एड एट टू 16 प्लस वन कितना हो गया सेवनटीन अपॉन में टू प्लस एट थ्री ज्वेंटी फोर प्लस फाइव कितना हुआ ट्वेंटी नाइन अपॉन में एट अब टू एंड फोर का क्या लेंगे आप एलसीएम टू एंड फोर का एलसीएम टू एंड एट का सॉरी टू एंड एट का एलसीएम कर लो टू वन टू टू फोरजा एट फिर टू ये तो वन वन टू टू झा फोर फिर टू वन वन ये टू है भाई तो एलसीएम कितना टू टू झा फोर फोर टू झा एट एल्शियम की वैल्यू क्या है आपने पास? एट है एलसीएम एलसीएम एट तो टू फोर 4 टाइम्स में एट आता है टू के टेबल में तो फोर अपॉन जो न्यूमरेटर है ये सेवनटीन इससे मल्टीप्लाई करो प्लस एट वन जट इन टू क्या हो गया ट्वेंटी नाइन सेवनटीन फोर जो कितना होगा सेवनटीन फोर जो सिक्सटी एट सेवनटीन फोर जो सिक्सटी एट प्लस ट्वेंटी नाइन अपॉन एट इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लो नाइन और एट कितना होगा सेवनटीन सिक्स टू एट और एक ये वैल्यू आ गई नाइन मीन्स नाइनटी सेवन आपके पास वैल्यू है और अपॉन में क्या हो गया एट तो ये हो गया आपका आंसर सेवेंथ पार्ट का सो गई फर्स्ट क्वेश्चन के जो फ्रैक्शन है होप्स so आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने आ गए होंगे फिर भी आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है आपको क्लासेस कैसी लग रही है और कोई डाउट आता है तो आप हमसे जरूर पूछें हमारा टेलीग्राम चैनल है विलिंग लर्नर वहां आप ज्वाइन हो सकते हैं एज वेल एज आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं विलिंग लर्नर ऑफिशियल पे सो गाइस बेस्ट ऑफ लक थैंक यू वेरी मच